हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गिनिडा। सो अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म यानी यूजीसी नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, एग्जाम जो डेट है वो क्या कुछ होने वाली है। देखिए, वैसे तो ये एग्जामिनेशन आपका पूरे भारत में टीचिंग लाइन में, स्पेशली हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि ट्वेल्थ के बाद अगर आप पढ़ाना चाहते हैं किसी भी सरकारी कॉलेज में, तो आपके पास में नेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है बिल्कुल। अगर आपके पास में नेट नहीं है, पीएचडी अगर आप कर भी चुके हैं और नेट नहीं है, तो आप किसी सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद में जहां पे भी वैकेंसीज निकलती हैं आपके स्टेट में या अदर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की, या अगर कोई महारत्न कंपनी भी है जो कि इस आपके जो नेट का जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे अगर आपका सिलेक्शन जो है वो कर रही है, वैकेंसी निकाल रही है, तो उसके आधार पर आप वहां पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। काफी सारे विविड, वास्ट और बिल्कुल एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी होती है नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाने के बाद में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस एग्जामिनेशन में कौन अपियर हो सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस एग्जामिनेशन में यानी कि यूजीसी नेट जून 2024 में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, हर वो कैंडिडेट, हर वो बच्चा, हर वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन या तो चल रहा है या खत्म हो चुका है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो भी आप यूजीसी नेट का जो फॉर्म है, जैसे ही वो आएगा आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है तो डेफिनेटली आप तो एलिजिबल हो ही। बट यहाँ पे देखिए, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए एक और क्राइटेरिया है कि आपका 55% एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप SC ST OBC हैं, PWD हैं, तो आपके पास में 50% एटलीस्ट आपके ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बनने चाहिए। इन केस अगर आप अपीयरिंग हैं, तो अपीयरिंग जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहां पे अपीयरिंग ऑप्शन चूज करेंगे, तो वहां पे आप 55% डाल सकते हैं या 60% आप डाल सकते हैं। बट आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा उतना नंबर आप स्कोर कर लीजिएगा, तो वहां पे कोई इशू नहीं होता है। यूजीसी आपको पूरा 2 साल का वक्त देती है, जैसे ही इनका एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराते हैं उसके बाद 2 साल का आपको पूरा वक्त देती है कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करिए और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो अपनी डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसको सबमिट करिए। वो सिर्फ ये चेक करना चाहती है कि आप 55% का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे आप मीट आउट कर रहे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका नेट भी हो गया या आपका JRF भी आपने क्वालिफाई कर लिया, और अगर 2 साल के बाद में अगर आपका 55% यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑल पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं सबको मिला करके जो परसेंटेज है वो काउंट किया जाता है, वो अगर 55% नहीं बन रहा है जनरल कैटेगरी में, SC ST OBC में अगर 50% नहीं बन रहा है, तो आप का जो नेट का सर्टिफिकेट है वो अमान्य हो जाएगा। क्योंकि नेट का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 2 आधार पर, इनका जो बेसिक और जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो यही है कि या तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपेयरिंग में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, 55% और 50% होना चाहिए इरिस्पेक्टिव आपकी जो कैटेगरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, मुझे पता है कि कौन ये फॉर्म को, कितना पासिंग मार्क होना चाहिए, कितना परसेंटेज हमारा आना चाहिए, JRF किस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं, क्या कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको एक एक करके वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल स्मूथली तरीके से क्रैक कर सकते हैं एंड एज लिमिट क्या कुछ होने वाली है। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, काफी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मेरे माध्यम से आप सभी को यूजीसी नेट से जुड़े हुए शेयर किए जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, होपफुली कि आपके डाउट मैंने क्लियर किया होगा। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बताते चलें कि मैं आप सभी की प्रिपरेशन यूजीसी नेट की Paper 1 एंड Paper 2 कॉमर्स में कम्प्लीटली कराती हूँ, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज वे में। डेमो के तौर पर आप क्लासेस देख सकते हैं, डेमो लिंक्स आपको ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।